हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैंटेसी इनसेट के एक और नए प्रोडक्शन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में वर्ल्ड कप का जो 25 नंबर मैच खेला जाएगा इसका ड्रीम इलेवन प्रोडक्शन के बारे में। पिछला जो मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड का, उसमें हम लोगों ने काफी अच्छा विनिंग कर लिया था। मैंने जो जो प्रोडक्शन दिया था, जो गेम चेंजर प्लेयर्स आप लोगों को बताया, ग्लेन मैक्सवेल, मार्नस लाबुशन और भी दो गेम चेंजर प्लेयर्स था, दो में से तीन गेम चेंजर प्लेयर्स ने मेरा अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एंड इस मैच में भी मैं आप लोगों को फोर गेम चेंजर प्लेयर्स देने वाला हूँ। एंड फोर गेम चेंजर प्लेयर्स में से एटलीस्ट दो से तीन प्लेयर्स आप लोगों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा एंड स्मॉलिंग में क्लीन स्वीप करने में हेल्प करेगा एंड ग्रैंड लीग में भी आप लोग अच्छा रैंक ला सकते हो। सो वीडियो को अच्छे से देखना, जो जो बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझ लेते तभी आप लोग अच्छा विनिंग कर पाओ। सो देखो, सबसे पहले हम लोग पिच रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे, उसमें हम लोग पेस वर्सेज स्पिन का रिकॉर्ड देखेंगे, कौन सा बॉलर्स यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं एंड किस टाइप के बैटर्स यहाँ पर रन स्कोर कर सकते हैं ताकि आपके लिए प्लेयर्स को चूज करना ज्यादा ईजी हो। देन हम लोग प्लेइंग इलेवन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद प्लेयर्स का सारा स्टेट देखेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट परफॉर्मेंस, वेन्यू रिकॉर्ड एंड जीएल का डिफरेंशियल पिक मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं एंड स्मॉल लीग का मास्ट पिक प्लेयर्स भी आप लोगों को दे दूंगा। ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग के लिए सेफ एंड रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन बताऊंगा, देन अपना प्रोडक्शन दूंगा एंड देन हम लोग क्रिएट करेंगे अपना स्मॉल लीग का बेस्ट टीम जो आप लोगों को क्लीन स्वीप करने में हेल्प करेगा। सो अगर आप लोग भी विन करना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से देखना एंड हाँ, मेरा जो फाइनल टीम है वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। सो इसके लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग पिच रिपोर्ट की। पिच की अगर बात करें, ये मैच खेला जाएगा एम चंद्रस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु पर। पिछला मैच खेला गया था पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रन हुआ था। सो देखो, टोटल 24 मैच खेला जा चुका है जिसमें फास्ट बैटिंग करने वाली टीमों ने 11 मैचेस को विन किया है एंड चेजिंग करने वाली टीमों ने 12 मैचेस को विन किया है। सो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 200 से नीचे दो बार स्कोर हुआ है, देन 200 से लेकर 249 के बीच में 9 टाइम, देन 250 से लेकर 299 के बीच में 4 टाइम एंड 300 के अबव 9 टाइम स्कोर हो चुका है। सो काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू है एंड इस मैच में भी ज्यादा अच्छा रन स्कोर हो सकता है, 300 प्लस रन इस मैच में भी डेफिनेटली हो सकता है। हाईएस्ट स्कोर है 383 का एंड लोएस्ट स्कोर है 166 का। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा बैटिंग पिच है एंड बाउंड्री डायमेंशन बहुत ज्यादा शॉर्ट है। एवरेज फास्ट इनिंग्स स्कोर देखो 294 का है, ऑलमोस्ट 300 का है। एवरेज सेकंड इनिंग्स स्कोर की अगर बात करें वो 251 का है, वो भी काफी ज्यादा हाई है। तो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर हो सकता है। आप देख लो रिसेंट मैचेस इस वेन्यू की अगर बात करें, पिछला मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बैटिंग करते हुए 367 रन स्कोर किया था 9 विकेट के नुकसान पर एंड पाकिस्तान 305 पर ऑल आउट हो गया था। उसमें पेसर्स को मिला था 6 विकेट एंड स्पिनर्स को मिला था 5 विकेट। सो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उससे पहले 2020 में एक मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में, उसमें देख लो पेसर्स को मिला था 14 विकेट एंड स्पिनर्स को सिर्फ 5 विकेट मिला था। उससे पहले 2017 में एक और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया था इस वेन्यू पर जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बैटिंग करते हुए 334 रन स्कोर किया था एंड इंडिया 313 पर ऑल आउट हो गया था। उसमें भी पेसर्स को 10 विकेट एंड स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट मिला था। सो ओवरऑल लास्ट 3 मैचों की अगर पेस वर्सेस स्पिन देखेंगे, पेसर्स को मिला 30 विकेट एंड स्पिनर्स को मिला सिर्फ 12 विकेट। सो इस मैच में भी पेसर्स को ही ज्यादा विकेट मिलेगा, स्पिनर्स को उतना ज्यादा विकेट नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको उसके अकॉर्डिंग ही टीम क्रिएट करना है, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वालू। हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट 10 मैचों की हेड टू हेड देखेंगे श्रीलंका वर्सेज इंग्लैंड की। सो 2 मैचेस को श्रीलंका ने विन किया एंड 8 मैचेस को इंग्लैंड ने विन किया। डेफिनेटली इंग्लैंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है एंड इस मैच में भी इंग्लैंड विन कर सकता है। आप सबसे पहले श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात करें इस मैच की अगर देखो, प्रथम निशंगे के साथ कुशारा पारेरा ओपनिंग करने वाले, देन नंबर 3 कुशाल मेंडिस, नंबर 4 साधिरा समरा विक्रमा, देन सी आशालांका, धनंजय डी सिल्वा, डी हेमनाथा। लोअर ऑर्डर की अगर बात करें सी करुणारत्न, महेश दीक्षणा, कसुन रचिता एंड डी मधुशंका होगा इनका लोअर ऑर्डर। सो अब यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको अच्छे से देखना। सबसे पहले प्रथम निशंका की अगर बात करें देखो, ओडीआई में 38 का एवरेज है एंड इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 का एवरेज है 2 मैच में। रिसेंट परफॉर्मेंस इसका काफी ज्यादा अच्छा है, 3 मैचों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। सो इस मैच में भी अगर फास्ट इनिंग्स में बैटिंग स्मॉल लीग में कंसीडर करके चल सकते हो। कुशारा पारेरा की अगर बात करें तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, 30 का एवरेज, हेड टू हेड में 18 का एवरेज है, 19 मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी उतना कुछ खास नहीं है। सो इसको ड्रॉप करके चल सकते हो। कुशाल मेंडिस मास्ट पिक ऑप्शन है आप लोगों के लिए, 116 मैच में 32 का एवरेज एंड हेड टू हेड में भी 30 का एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस इसका डिसेंट है, 2 मैच में, एक मैच में सेंचुरी किया था, उससे पहले 76। सो रिसेंट परफॉर्मेंस इसका काफी अच्छा था बट पिछले 2 मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। अधीरा समरा विक्रमा की अगर बात करें तो इसका भी 38 का एवरेज एंड हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, पिछले मैच में 91 रन स्कोर किया था। सो इसको आप लोग जीएल में ट्राई कर सकते हो एंड स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो, इस मैच में फ्लॉप जाने वाला है। सी आशलांके की अगर बात करें तो इसको भी आप लोग स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो, 45 मैच में 40 का एवरेज है एंड रिसेंट परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है। सो इसको भी स्मॉल लीग से ड्रॉप करना है, जीएल की एक दो टीम में ट्राई करके चल सकते हो। धनंजय डी सिल्वा की अगर बात करें देखो, इसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, रिसेंटली उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है बॉलिंग से स्पेशली एंड इंग्लैंड के अगेंस्ट 8 मैचों में 5 विकेट लिया है एंड 199 रन स्कोर किया था। सो इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थोड़ा सा
डिसेंट है, चाहो तो स्मॉल लीग में पी करके चल सकते हो। डी हेमनाथ की अगर बात करें तो 4 मैचों में 39 के बैटिंग है और जे टू एट में नहीं खेला है, रिसेंट बॉयज उतना अच्छा नहीं है, सो इसको भी स्मॉल लीग से ड्रॉप करते हैं। जी एल के एक दो कॉम्बिनेशन में आप लोग ट्राई करके चल सकते हो, वरना इसको ग्रैंड लीग में भी ड्रॉप करके चल सकते हो। सी करुणा रत्न की अगर बात करें 25 मैचों में 445 रन 40 24 विकेट ले चुके हैं, हेड टू हेड में 2 मैचों में 2 विकेट ले चुके हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, सो इसको आप लोग जीएल में ट्राई करना है, स्मॉल लीग से ड्रॉप कर देना है, स्मॉल लीग के लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा आप लोगों के लिए। बॉलिंग की अगर बात करें तो देखो यहाँ से कासुन राजीता एंड महेश दीक्षणा, ये दोनों बॉलर्स स्पेशली स्मॉल लीग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कासुन राजीता की अगर बात करें हेड टू हेड में परफॉर्मेंस नहीं है उतना अच्छा, लेकिन पिछले मैच में 4 विकेट लिया था, सो इस मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। स्पेशली महेश दीक्षणा फास्ट इनिंग्स में अगर बॉलिंग करता है श्रीलंका की टीम 2+ विकेट ले सकता है महेश दीक्षणा, सो महेश दीक्षणा इंपॉर्टेंट होगा स्मॉल लीग के लिए। एंड ग्रैंड लीग में डी मधुशंका को आप लोग ट्राई करके चल सकते हो, हालांकि पिछले मैच में 4 विकेट लिया था, उससे पहले मैच में 3 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, सो रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। जीएल में सीबीसी का अच्छा ऑप्शन है, आप लोग जीएल में सीबीसी बना के चल सकते हो एक दो टीमों में, वरना इसको स्मॉल लीग से ड्रॉप कर देना, इस मैच में फ्लॉप जा सकता है। अब पिछले मैच की इनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो देखो कासुन रचिता 9 ओवर बॉलिंग किया था 4 विकेट, डी मधुशंका 9.4 ओवर 4 विकेट, सी कारुणा रत्न 9 ओवर 0 विकेट, डी धनंजय डी सिल्वा 4 ओवर 0 विकेट, महेश दीक्षणा 10 ओवर 44 रन 1 विकेट एंड डी हेमनाथ 8 ओवर 42 रन 0 विकेट। सो यहाँ से देख लो स्मॉल लीग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कासुन रजिता देन सी करुणा रत्न एंड महेश दीक्षणा, ये 3 बॉलर्स आप लोगों के लिए स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट होने वाला है, बाकी प्लेयर्स को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हो। आप इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो देखो इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने का जॉनी बेस्टो के साथ डेविड मालन, दोनों का ही रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। नंबर 3 जो रूट एंड मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें बेन स्टोक्स हैरी ब्रुक जॉस बटलर सैम करन ये मैच खेल सकते हैं, मुझे लगता है सैम करन ये मैच खेलेगा, हालांकि पिछला मैच नहीं खेला था। लोअर ऑर्डर की अगर बात करें डेविड उली क्रिस ओक्स आदिल रशीद एंड मार्क वुड, ये होगा इंग्लैंड का बॉलिंग ऑर्डर। अब यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होगा स्मॉल लीग में एंड ग्रैंड लीग में देख लो, सबसे पहले जॉनी बेस्टो की अगर बात करें इसका रिसेंट परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एंड हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे हेड टू हेड में भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, 22 का एवरेज है, लेकिन काफी अच्छा प्लेयर्स है, इस मैच में अच्छा करके जा सकता है जॉनी बेस्टो ग्रैंड लीग में। सो जीएल में जॉनी बेस्टो सीबीसी का अच्छा ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए, एंड स्मॉल लीग में भी एज ए गेम चेंजर प्लेयर्स आप इसको रख सकते हो। डेविड मालन के साथ भी सेम, इसका भी रिसेंट 2 मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, 1 मैच में सेंचुरी किया था, ओवरऑल 58 का एवरेज है, काफी अच्छा प्लेयर्स है, सो इसको भी जीएल में आप लोग सीबीसी ट्राई करना एक दो टीम में, एंड स्मॉल लीग में एज ए नॉर्मल प्लेयर पिक करके चल सकते हो। जो रूट की अगर बात करें काफी ज्यादा कंसिस्टेंस प्लेयर्स है, 48 का एवरेज ओवरऑल एंड श्रीलंका के अगेंस्ट 28 मैचों में 65 का एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्मॉल लीग के लिए स्पेशली अगर फास्ट इनिंग्स में इंग्लैंड बैटिंग करते हैं आप लोगों के लिए कैप्टन वाइज कैप्टनसी का अच्छा ऑप्शन होगा जरूर। बेन स्टोक्स की अगर बात करें 109 मैच में 3000+ रन 40 का एवरेज, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लास्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका अगेंस्ट सिर्फ 5 रन स्कोर कर पाया था। एंड हैरी ब्रुक की अगर बात करें 10 मैचों में 25 का एवरेज, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी डिसेंट है, सो इस जीएल के लिए सीबीसी का अच्छा ऑप्शन होगा हैरी ब्रुक आप लोगों के लिए। जॉस बटलर आप लोगों के लिए स्मॉल लीग में मास्ट पिक ऑप्शन होगा, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर ओवरऑल 40 का एवरेज, एंड हेड टू हेड में देख लो 25 मैचों में 41 का एवरेज, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट स्मॉल लीग के लिए मास्टर ऑप्शन है। विकेट कीपिंग से आप लोगों को पॉइंट देगा, सैम करन अगर खेलता है जीएल में आप लोग इसको ट्राई करके चल सकते हो, वरना स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो। डेविड उली स्मॉल लीग के लिए अच्छा ऑप्शन होगा, 2-3 विकेट ले सकता है इस मैच में, ओवरऑल 68 मैचों में 89 विकेट ले चुका है, एंड हेड टू में देख लो 8 मैच में 19 विकेट ले चुका है, सो श्रीलंका के अगेंस्ट आप लोग इसको ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन भी बना के चल सकते हो, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है डेविड उली। एंड बॉलिंग की अगर बात करें तो क्रिस ओक्स मार्क शूट एंड आदिल रशीद, आदिल रशीद यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड क्रिस ओक्स एंड मार्क शूट दोनों को आप लोग जीएल में ट्राई कर सकते हो। आदिल रशीद के हेड टू हेड में परफॉर्मेंस डिसेंट है, सो अच्छा करके जा सकते, क्रिस ओक्स एंड मार्क शूट जीएल के लिए अच्छा ऑप्शन होगा। जी एटकिंसन मोहन अली एंड लियाम लिविंगस्टन भी ये मैच खेल सकता है, अगर खेलता है बैटिंग फास्ट में आप लोगों के लिए अच्छा पिक हो सकता है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। सो इनके पिछले मैच की बॉलिंग की अगर बात करें तो देखो डेविड उली 9 ओवर 61 रन 0 विकेट, रिच टोपली 8.5 ओवर इस मैच के लिए अनअवेलेबल है एंड रूल्ड आउट हो गया है। जी एटकिंसन 9 ओवर 60 रन 2 विकेट, मार्क वुड 7 ओवर 76 रन, आदिल रशीद 10 ओवर 61 रन 2 विकेट, जो रूट 6 ओवर 48 रन। सो यहाँ से स्मॉल लीग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, देख लो आदिल रशीद इंपॉर्टेंट होने वाला है, देन डेविड उली इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के, एंड जो रूट बैटिंग में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एंड यहाँ से मार्क वुड या फिर जी एटकिंसन अगर खेलता है दोनों में से किसी एक को आप लोग जीएल में ट्राई करना, एंड स्मॉल लीग से इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। आप स्मॉल लीग की मास्ट पिक प्लेयर्स की बात करें देखो ये होगा आप लोगों के लिए की प्लेयर, स्मॉल लीग में आप इनको पिक जरूर कर लेना, एंड ग्रैंड लीग में भी आप लोग इन प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो। ये जो 7 प्लेयर्स है आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग की ड्रीम टीम में एटलीस्ट 6 प्लेयर्स होगा। सो देख लो डेविड मलान, जो रूट, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, कुशल मेंडिस, पाथुम निशंक एंड डेविड उली, ये 7 प्लेयर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है इस मैच में, सो स्मॉल लीग में इनको इंक्लूड जरूर करना। आप गेम चेंजर प्लेयर्स की बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के लिए,
जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। एंड ग्रैंड लीग में आप इसको इन प्लेस को सीवीसी बनाकर भी चल सकते हो। सबसे पहले जॉनी बेस्टो ग्रैंड लीग के लिए सीवीसी का बेस्ट ऑप्शन है, एंड हैरी ब्रूक भी वाइस कैप्टनसी का अच्छा ऑप्शन है ग्रैंड लीग में। एंड दूसरी तरफ सधीरा समरा विक्रमा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है ग्रैंड लीग में, एंड मार्क वुड ग्रैंड लीग के लिए अच्छा पिक होगा। स्मॉल लीग से आप मार्क वुड को ड्रॉप करके चल सकते हो। सो इन फोर प्लेयर्स में से एटलीस्ट दो प्लेयर्स आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाला है इस मैच में, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आप बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो वो भी देख लो। सो स्मॉल लीग के लिए सेफ सीवीसी की अगर बात करें तो कुशल मेंडिस, बेन स्टोक्स, डेविड मलर एंड जो रूट, ये फोर प्लेयर्स होगा आप लोगों के लिए सेफ सीबीसी का ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए। एंड ग्रैंड लीग की अगर बात करें जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रूक, क्रिस वोक्स, प्रथम निशंका एंड महेश दीक्षणा, ये फाइव प्लेयर्स होगा आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग में सीबीसी का बेस्ट ऑप्शन। अगर आप लोग ग्रैंड लीग में 20 टीम क्रिएट कर रहे हो, सो जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है वो सेफ ऑप्शन एंड रिस्की ऑप्शन में से ही चूज करना, क्योंकि ड्रीम टीम का जो सीबीसी है वो यही से निकलने वाला है। पिछले सारे मैचों में जो मैंने आप लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन दिया था उनमें से ही ड्रीम टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन निकला था, एंड इस मैच में भी ड्रीम टीम का कैप्टन एंड वाइस कैप्टन यही से निकलने वाला है। सो मल्टीपल टीम क्रिएट करते समय कैप्टन वाइस कैप्टन यही से चूज करना, आप लोगों के लिए ड्रीम टीम का कैप्टन यही से निकल जाएगा। एंड आप फिलहाल के लिए स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो देखो विकेटकीपिंग में जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो एंड कुशल मेंडिस तीनों को पिक किया, मोस्ट प्रॉब्ली मैं तीनों के साथ ही जाऊंगा। एंड बैटिंग की बात करें बेन स्टोक्स, जो रूट एंड प्रथम निशंका को रखा है। ऑलराउंडर में सिर्फ डेविड उली को पिक किया है। एंड बॉलिंग में आदिल रशीद, मार्क वुड, महेश दीक्षणा एंड डी मधुशंकर को रखा है अभी के लिए। मैं यहाँ पर मार्क वुड के प्लेस पर एक और ऑलराउंडर को ट्राई कर सकता हूँ, एंड डी मधुशंकर के प्लेस पर कासुन राजीता को पिक कर सकता हूँ। वो मैं टॉस के बाद आप लोगों को अपडेट दे दूंगा जो मेरा फाइनल टीम होगा टेलीग्राम पर। सो टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।